नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में पंजाबी में शपथ ग्रहण की। उन्हें गवर्नर बीएल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भगवंत मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वे पंजाब के 25वें सीएम हैं। मान ने कहा कि वक्त और पब्लिक बहुत बड़ी चीज है। आम आदमी पार्टी को अर्श से फर्श पर लाने में देरी नहीं करते। मान ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, व्यापार, स्कूल, अस्पताल सबको ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि यही रहकर हम पंजाब का भला करेंगे। मान ने कहा कि हम जनता के जैसे हैं और जनता बनकर ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि लोगों ने बिना किसी लालच के 20 फरवरी 2022 को वोट डालनी शुरू की थी। शपथ ग्रहण के बाद मान ने कहा कि शहीदों को सिर्फ कुछ ही तारीखों में क्यों याद किया जाता है, हमें हर रोज उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और वर्करों से कहा कि अहंकार भूलकर भी नहीं करना। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए। भगवंत मान ने इस बार पंजाब की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिस पर वो विजयी रहे। भगवंत मान को पहले ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जट सिख परिवार से आते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है। जैसे ही उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनके कई सारे वीडियो शेयर किए गए। इसमें वो लड़खड़ाते हुए नजर आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अब वो शराब पीना छोड़ चुके हैं। भगवंत मान एक प्रसिद्ध पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। मान ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के टीवी शो में भाग लिया था। मान ने राजनीतिक सफर की शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल की पंजाब पीपुल्स पार्टी से की थी। मनप्रीत बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान मूल रूप से संगरूर जिले के ड्रीम लैंड कॉलोनी के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।